हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मैंने कहा था आपसे कि इस बार का जो संडे वाला एपिसोड था जिसमें कि स्पेशली उदित नारायण जी को बुलाया गया था, उसके रिव्यू का इंतजार कीजिएगा। मैं आपको देने वाली हूं वो वाला भी। हाँ, थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया लेकिन काइंडली एडजस्ट यार, सॉरी यार। सो उसमें उदित नारायण स्पेशल में मैं हमेशा ये सोच रही थी यार, उदित जी हर बार तो आते हैं, हर बार तो गाने आते हैं और मतलब देखते हैं इस बार क्या है। लेकिन इस बार जो है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब चारों खानों चित कर देने वाले बच्चे हैं यार इस बार। और गाने भी क्या चुन चुन कर लेकर आए थे, बहुत ही सुंदर गाने लेकर आए थे। और उदित नारायण, नंदीपा नारायण जी, देवा दयर, और वो अपने अपने चीजें एनेक्डोट्स शेयर कर रहे थे, वो भी सुन के देख कर बड़ा मजा आ रहा था। देवी का जो था ए मेरे हम सफर, लेजल का आए हूं मेरी जिंदगी में, उसके बाद क्षितिज आया तेरे नाम, यार मजा आ गया क्षितिज का सुन के, जस्ट ऑसम। क्षितिज यार अभी और सुनने हैं तुमसे, तो आई होप मैं और तुम्हें सुन पाऊंगी और ज्यादा। वहीं अगर मैं बात करती हूँ अथर्व का ए अजनबी, इट वॉज कम्प्लीटली नशीला गाना। ये गाना भी ऐसा ही है कि आप उसमें गुम हो जाओ, एक वो धुनी नहीं लग जाती, एक तंद्रा लग जाती है कि आप झूम रहे हो उस गाने में, आपको वो उस लेवल पर लेकर जाता है। ये गाना गाया भी वैसा गया और अथर्व की आवाज में आपको वो एक बार फिर से वो पता नहीं किस जोन में लेकर जाता है, जहां पर आपको नशा हो जाता है उसकी आवाज का। व्हाट अ ब्यूटिफुल वॉइस। सॉन्ग इतना सुंदर है लेकिन अथर्व ने उसको उतने ही सुंदर तरीके से, उतने ही प्यारे तरीके से, खूबसूरती के साथ अक्षरशः शब्दशः निभाया और वही भाव लाया, इसलिए यार अथर्व मान गए यार। खैर, मैं तो हमेशा से इस लड़के के लिए कहती हूँ ये लड़का बहुत सही है। उसके बाद फिर आते हैं आपका दिल चुराने के लिए आविर्भाव, चांद छुपा बादल में। उफ, वाह 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 करते रहने की इच्छा होती रहती है इस बच्चे को लेकर, इतना सा है लेकिन सुर क्या भयानक लगते हैं। आई मीन चांद छुपा बादल में इट्स अ टफ सॉन्ग। आई लव दिस छोटा सा बदमाश बच्चा, छोटा भीम। ओके, और फिर मुझे तो आविर्भाव और उदित जी की जो जुगलबंदी चल रही थी वो भी बड़े मजेदार लग रही थी, आई लव्ड इट। एंड फिर आई खुशी, तुझे याद ना मेरी आई, एंड यार खुशी तुम कहाँ से अवतरित हुई हो यार, मतलब किस गांव की हो, तुम कहाँ पर आई हो और कहाँ स्टेज पर पहुंच गई हो। इसी स्टेज पे बने रहना, जमे रहना, जकड़े रहना, चिपके रहना, क्योंकि तुम जैसा कलाकार अगर स्टेज पर होता है ना तो गाने को भी नया मूड मिलता है, नया रंग मिलता है, एक नया फ्लेवर मिलता है। खुशी इस स्टेज पर चिपकी रहना, ये शो खत्म हो जाए फिर भी स्टेज अपनी जिंदगी में, ये जो म्यूजिक का स्टेज तुम्हें मिला है कभी नहीं छोड़ना, तुम इसी के लिए बनी हो। मुझे सीरियसली खुशी को देखकर वो फीलिंग आ रही थी, उफ क्या गाया इस लड़की ने। फिर शुभ का पहला नशा वॉज नाइस, और उसके बाद पीहू का गजब का है दिल सोचो जरा, वॉज क्यूट, उसी के जैसा क्यूट क्यूट सा गाना था, अच्छा लगा। आर्यन का उड़ जा काले कावा वॉज रियली नाइस, अच्छा, अच्छे से गाया, अच्छे से निभाया। और जो माइक था वो तो भाई आपकी खुशी लेकर गई, एंड शी वॉज डिजर्विंग। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अथर्व को जा रहा है या खुशी को जा रहा है, इसको या इसको, इसको इसको, मतलब ऐसे कंफ्यूजन में मैं देख रही थी। और फिर बीच में से आविर्भाव का एक क्यूट सा बदमाशी भरा चेहरा भी याद आ रहा था, तो मैं कंफ्यूज थी माइक किसके नाम पे जा रहा है, बट यस। अच्छा, इस बीच दानिश की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने ना बहुत प्यारे से कहा, बचपन में मैंने ये वाला दोहा भी पढ़ा हुआ है कि जहां मैं था वहां साई नहीं थे, हरी नहीं, और जब हरी आया तो मैं, मतलब मेरा, मेरे अंदर का ईगो नहीं रहा। और कुछ ऐसे से ही जब लोग होते हैं तब जाके ऐसे लेजेंड्स बनते हैं, और ये बात उन्होंने जो कही थी वो उदित नारायण के लिए कही थी। एंड सीरियसली जब उदित जी के वाले गाने मैं सुन रही थी, लिस्ट देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि यार क्या गाने गाए हैं इस बंदे ने, मतलब इफ आई लव हिम फॉर हिज वॉइस देन डेफिनेटली यार उसके गाने ऐसे हैं कि सिर्फ मैं क्या, बहुत सारे लोग उनकी आवाज को, उनके गानों को पसंद करते रहे हैं। एंड आई टोटली अग्री, ये धांसु एपिसोड था, लगा तो ये था कि वही गाने होंगे लेकिन बच्चे अलग थे और गाने अलग थे इस बार। अच्छा, इसी बीच ना आप लोगों में से कई सारे लोगों ने मुझे सलमान और अरुणिता वाली जो धक्का दे दिया वो करते हुए, हाँ मैं, मतलब मैं भी कोई, आई विल नॉट से आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट मोमेंट, मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा लगा ऐसा तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकती, बट
मन मुटाव मैं रखूं अपने दिल में, या फिर अपना दिल मैला करूं, या फिर मैं सोचूं कि ये सही है ये गलत है, नेशनल टेलीविजन है ऐसा है वैसा है, इसको बैन कर दो उसको बैन कर दो, उससे भी ज्यादा और उससे कहीं ज्यादा और उससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि इफ अरुणिता वॉज कंफर्टेबल एंड इफ शी वॉज कंफर्टेबल विल शी स्पीक अबाउट इट। अगर वो कंफर्टेबल है तो मुझे नहीं लगता कि जो दो लोगों के बीच की बातचीत है उसमें हमें मतलब हमें बीच में पड़ना चाहिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा हम नहीं बन सकते हैं। डेफिनेटली दैट वॉज नॉट अ मोमेंट विच आई ऑल्सो एन्जॉयड। आई एम श्योर आप लोगों को भी थोड़ा सा ऐसा लगा होगा, लेकिन ये दो लोगों के बीच की बात है। अगर मुझे अरुणिता कहती है कि हाँ आई वॉज हर्ट, मुझे अच्छा नहीं लगा, तब हम इस बारे में और खुलकर बातचीत कर सकते हैं। हम आप विल ट्राई टू एटलीस्ट मेक लिटिल पॉइंट, बट फॉर दैट आई हैव टू चेक विद अरुणिता इफ शी वॉज कंफर्टेबल और नॉट, क्योंकि ये उसके साथ हुआ है और उसकी भावनाओं को उसके शब्दों को हमें उतनी इज्जत देनी पड़ेगी, हमें उसको उतना सम्मान देना पड़ेगा कि उसको कैसा लगा। हाँ मतलब आई विश अवॉइड कर दिया जाता है, ऐसे मस्ती में बदमाशी में कुछ हो भी जाता है तो वो एडिट में उड़ाया जा सकता है। चलिए लेट्स सी, कभी उनके एडिटर साहब से मिलना हुआ तो मैं सच बोल रही हूँ ऐसा डंडा पकड़े साइड में खड़ी हो जाऊंगी और आपके जो जो सवाल है उस सारे सवालों को एडिटर से पूछूंगी, ये एडिट क्यों नहीं किया, वो एडिट क्यों नहीं किया, ये वाला एडिट क्यों कर दिया, वो एडिट क्यों कर दिया, वो सब पूछने वाली हूँ मैं उनसे। देखते हैं, तब तक तो मुझे बताइए कि उदित नारायण स्पेशल अगर इस एपिसोड या इस पार्ट को निकाल दिया जाए तो फिर आपको यह एपिसोड कैसा लगा है जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।